सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। यार मोबाइल फोन्स तो खैर आप सभी यूज करते हैं और ऐसे में ना मतलब तरह तरह के हमको नए नए फीचर्स मिलते रहते हैं स्मार्टफोन्स में। फॉर एग्जांपल इस फोन में है 108 मेगापिक्सल का कैमरा सिस्टम, किसी फोन में है बहुत ही बड़ी सी बैटरी, तो किसी में है बहुत ही शानदार सा डिस्प्ले। मतलब कितना अच्छा होना कि आप अपने पुराने फोन को जो भी फीचर चाहे उसको ऐड करने के बाद में अपग्रेड करते रहें। मतलब मॉड्यूलर फोन्स होते तो ऐसा जरूर पॉसिबल होता, लेकिन लगता नहीं कि अभी हम फ्यूचर में ऐसा कुछ देख पाएंगे। तो आज तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं मॉड्यूलर स्मार्टफोन्स के बारे में और कैसे अभी वो लगभग खत्म से हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। मतलब अगर इमेजिन करो ना कि अभी दोस्तों जो पूरा सीन चल रहा है हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेज का, फॉर एग्जांपल 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज, अभी आपके पास में अगर एक फोन है जहां पे फोन बिल्कुल सही काम कर रहा है, बस अगर आप उसके अंदर अपना डिस्प्ले चेंज कर लें और आपका फोन जो है वो और थोड़ा सा नया बन जाए तो चीज कितनी अच्छी हो जाए। या फॉर एग्जांपल आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन्स में जो कैमराज है वो बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं, तो आपके पास में अगर एक 2 साल पुराना फोन है उसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है, फॉर एग्जांपल कैमरा इतना सही नहीं है, आपने सिर्फ कैमरा बदल लिया आपका फोन जो है वो पूरा नया हो गया, या आपने बैटरी को चेंज कर लिया, प्रोसेसर को चेंज कर लिया, स्टोरेज को या स्पीकर को, या मतलब आप बहुत सारी चीजें अगर अपने फोन में ऐसे ही चेंज करते रहें और अपना फोन नया बनाते रहें, तो दोस्तों जो कॉन्सेप्ट था मॉड्यूलर स्मार्टफोन्स का, जब हमने देखा था गूगल का प्रोजेक्ट आ रहा, तो वो कुछ ऐसा ही था जहां पे मतलब सीन ये कि भैया आपके पास में एक जैसे हम कंप्यूटर को असेंबल करते हैं वैसी ही ताकत है अपने मोबाइल फोन के लिए कि आप जो चाहें जैसे चाहें पार्ट्स को यूज करते रहें और अपनी पसंद का फोन बनाते रहें और उसको अपग्रेड भी करते रहें काफी कम कीमत पे। लेकिन फिर ये चीज इतनी चली नहीं, मतलब बिकॉज उस टाइम पे तो ये सिर्फ एक आइडिया था। हाँ मतलब कुछ ब्रांड्स ने उस तरफ काम किया, जहां पे दोस्तों LG लेके आया था LG का G5 स्मार्टफोन, जहां पे फोन में आप चीजें जो है वो स्वैप कर सकते थे। फॉर एग्जांपल आपने बैटरी जो है उसको चेंज कर लिया, या फिर दोस्तों आपने एक कैमरा ग्रिप को ऐड कर लिया, या फिर आपने एक हाई मतलब अच्छी क्वालिटी का आपने एक डैक अपने फोन में लगा लिया, तो वो सब ऑप्शन थे, लेकिन फ्लॉप सा मामला था। और इनफैक्ट मोटोरोला ने भी ट्राई किया था कि आप अपने फोन के पीछे कुछ मोटो मॉड्स को चिपकाते रहें, किसी में स्पीकर है, किसी में प्रोजेक्टर है, किसी में भैया एक हैसलब्लैड का कैमरा है, मतलब बहुत सारी चीजें, वो माना जो था वो एक तरीके से फ्लॉप हो गया। उसके बाद दोस्तों अभी रिसेंटली जो हुआ एसुस का ROG फोन, फॉर एग्जाम्पल गेमिंग स्मार्टफोन, बहुत ही कमाल अच्छा, मतलब बहुत बेहतरीन सा फोन, उसके साथ में ऑप्शन ये हुआ कि एक्सेसरीज को हम ऐड करते रहें, फॉर एग्जाम्पल गेम पैड या फॉर एग्जाम्पल कुछ और टाइप की एक्सेसरीज, लेकिन वो मामला भी एक तरीके से फ्लॉप सा ही है। तो मतलब बहुत सारी कंपनीज ट्राई कर चुकी हैं और एक बार सोचा भी था ऐसा कि भैया मॉड्यूलर स्मार्टफोन्स अगर बनाएं या ऐसी कुछ चीजें जिसके अंदर यूजर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज को लगा लगा के अपने फोन को अपग्रेड करते रहें, फंक्शनैलिटी को एनहांस करते रहें, तो वो ये सोच के उस टाइम पे प्लानिंग थी कि भैया एक बार किसी ने एक फोन ले लिया उसके बाद में एक्सेसरीज भी लेगा तो और प्रॉफिट और पैसा एक प्रॉपर एक इंसान जो है वो इकोसिस्टम में आ जाएगा, लेकिन वो चीज कभी ठीक से इंप्लीमेंट हो नहीं पाई। मतलब आज आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, अगर आपको एक ऑप्शन ये मिलता कि आप अपने फोन के अंदर 5G को जो है वो इनेबल कर सकते हैं, अभी आपके फोन में मान लो प्रोसेसर ऐसा है जो 5G को सपोर्ट नहीं करता, आपने उसको स्वैप करके चेंज कर लिया, नया प्रोसेसर लगा लिया, नया मॉडेम लगा लिया, तो 5G का सपोर्ट आ गया। मतलब टेक्निकली ये सब चीजें पॉसिबल हैं जैसे हम बात कर रहे हैं, हाँ इंप्लीमेंटेशन जो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी लगता नहीं कि जो मॉड्यूलर स्मार्टफोन्स हैं वो वापस आएंगे, बिकॉज जो आइडिया है वो ऑलमोस्ट डेड सा हो गया है। इसका एक रीजन ये भी है कि कंपनीज जो है वो हर 2 महीने में 3 महीने में नए नए थोड़े बस बस मतलब इतना सा एक जरा सा अपग्रेड करती है अपने फोन को और एक नया मॉडल लॉन्च कर देती हैं। तो अगर ये वैसा वाला सिस्टम होता तो फिर तो आप वो सिर्फ जरा सा वो इतना सा अपग्रेड लेते अपने फोन में लगाते और किस्सा खत्म हो जाता, तो आपको पूरा फोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी तो दोस्तों कंपनीज जो है वो मोर और लेस ऐसा ही काम कर रही है जहां पे हर 2 महीने में हर 3 महीने में कुछ ना कुछ आपको नया नया मिलता रहता है, तो अगर मॉड्यूलर फोन्स हों तो वो चीज जो है वो कैसे काम करेगी। तो मतलब हो सकता था दोस्तों ये एक चीज जो हमने पास्ट में प्लान करी, आज शायद हम देखते कि मोबाइल फोन्स ऐसे आ गए हैं जहां पे आपने बैटरीज को चेंज कर लिया है। मतलब एक यूजर ना अपनी नीड के हिसाब से फोन को कस्टमाइज कर ले, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है और शायद लगता नहीं आगे भी होगा ना। इसका एक और रीजन ये भी दोस्तों कि बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो इतने टेक सेवी नहीं होते हैं, बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो इतना, जैसे हर कोई जो है वो कंप्यूटर असेंबल नहीं करता,
लोग दुकान पे जाते हैं एक लैपटॉप लेके आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अपना खुद का जो है वो ये रैम ये प्रोसेसर ये मदरबोर्ड पूरा लगा के एक अपना पीसी को असेंबल करें। तो हर एक इंसान जो है वो शायद वो फोन्स को भी जो है वो असेंबल ना करता या अपग्रेड ना करता, वो सिर्फ एक जो कंपनी ने बना बना के फोन दे दिया कि हाँ ये एक रेडी स्मार्टफोन है वो ले ले और उसी से काम चला ले, तो ये भी एक पॉइंट निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आइडिया बड़ा ही कूल लगता था कि हाँ एक दिन आएगा और हम हमारे फोन में ये सब करेंगे, लेकिन लगता है कि वो एक दिन अभी तो शायद आगे नियर फ्यूचर में जो हम देख पा रहे हैं कभी नहीं आएगा। बाकी अगर आप दोस्तों बताओ मुझे नीचे कमेंट करते हुए कि अगर आपको ऐसा एक ऑप्शन मिले अपने फोन को पूरा कस्टमाइज करने का, जहां पे आप चीजें अपग्रेड कर सकते हैं टाइम के साथ साथ, आपको फोन में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं वो ऐड करो, जो जो नहीं लगती है उनको साइड में निकाल दो, पैसे बचा लो, तो क्या आप ऐसे आइडिया के लिए ओके होंगे या नहीं दोस्तों? बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।